अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो गाइस, आज तुम्हारा भाई हर बार की तरह इस बार फिर ऐसी गाड़ी लेकर आया जो दम मचा देगी यार, जिसका नाम है एक्टिवा 125 cc। जी हाँ, 2020 का मॉडल है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, अथॉरिटी की दोनों नंबर प्लेट हैं। और भाई बात करें इसकी एवरेज की, तो एवरेज इसका 55-60 का 100% होता है। डिस्क ब्रेक में गाड़ी है, ट्यूबलेस दोनों टायर हैं, फर्स्ट ऑनर है। अगर बात करें पेपर में, तो पेपर में भाई इसका इंश्योरेंस 2025 तक का है, पोल्यूशन 2024 तक का 11 महीने का है। बाकी मीटर इसकी बात करें तो 18,000 चला है, और अपना 700 रुपये में ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, RC, सेल लेटर सब कुछ मौजूद है। और 20 मॉडल गाड़ी है, बाकी साफ़ सुथरी गाड़ी सही है। तो इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसकी ये ओरिजिनल है वो ओरिजिनल, तो फिलहाल तो ये कहूँगा कि भाई पूरी गाड़ी ही ओरिजिनल है, ठीक है ना। 20 मॉडल गाड़ी है तो भी पूरी गाड़ी ही ओरिजिनल है। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई इंजन ओरिजिनल है, तो इंजन निकला तो भाई फिलहाल तो पूरी गाड़ी ही ओरिजिनल है। सो अभी ये गाड़ी खुल गई है, 18,196, ठीक है, 18,196 किलोमीटर चली है। गाड़ी नेचुरल है पूरी, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई इसमें मतलब टेक्निकल कोई जॉब नहीं है इसमें, बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी है, कुछ नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं है। और बॉडी वगैरह तो खैर साथ की ही जेन्युइन। और बाकी इंजन की पोजीशन ये सारे कवर बोर्ड से अंदाजा लगा लो, सब ओरिजिनल गाड़ी का। और जो टायर का डिज़ाइन है वो टायर कंपनी से है भाई, इसी डिज़ाइन के आते हैं। सीट भी सही है, सीट कवर तो खैर ओरिजिनल है ही, मैंने डलवाया नहीं, डाला जैसा आया था कम से वैसे ही साथ में है। और सीट कवर भी वही है जो कंपनी के साथ आया था, अलग से नहीं डला। बाकी सीट की मोहर डली हुई है, ये बाकी सीट की मैंने एक एक चीज़ की इसलिए वीडियो बनाई है। सारे कंप्लीट बोल्ड हैं, कोई डिग्गी टूटी टाटी तो कोई हिसाब ही नहीं है कहीं से कभी। फुल लोडेड है, मतलब एक मैं साइड मिरर भी, गोला बिटिंग भी, और मैट भी, इंडिकेटर वगैरह चालू है, बैकलाइट भी चालू है, मीटर भी चालू है, सब कुछ चालू है, सब कुछ ओके। कुछ नहीं कराना, सिर्फ गाड़ी ख़रीदनी है, 700 रुपये देने हैं और ट्रांसफ़र करानी है। OTP पार्टी से मिल जाएगा, पार्टी ने बोल दिया OTP दे दूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अथॉरिटी की दोनों प्लेट हैं, हर चीज़ ओके, दोनों रिफ्लेक्टर भी हैं, गोला बिटिंग भी है, और इंडिकेटर वगैरह LED भी चालू है इसकी। और डिस्क ब्रेक तो है ही, डिस्क ब्रेक के साथ कॉम्बो ब्रेक भी है इसमें। डिस्क ब्रेक में बहुत सी गाड़ी नॉर्मल डिस्क ब्रेक होती है, जैसे सुजुकी एक्सेस में डिस्क ब्रेक नॉर्मल होता है, इसमें कॉम्बो डिस्क ब्रेक है। यानी कि अगर अगला ब्रेक दबाएंगे हम तो दोनों पहिए रुकेंगे, पिछला दबाएंगे तो दोनों पहिए रुकेंगे। तो बेहतर ऑप्शन है एक्टिवा, ओवरऑल हीरो की गाड़ी है भाई, हीरो की गाड़ी। और जो बंदे को गाड़ी की नॉलेज है, जो बंदा गाड़ियाँ चलाता है, जो स्कूटी में और टू व्हीलर में, कुल मिला के टू व्हीलर फोर व्हीलर वाला जो भी बंदा है, तो उसको ये पता है, बहुत अच्छी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है कि हीरो और होंडा ये गाड़ी एवरेज और स्पीड पे ही मुकम्मल है। यानी कि अगर हम हीरो की गाड़ी ले रहे हैं तो समझ लो उसका टॉप का एवरेज होने वाला है, अगर होंडा की ले रहे हैं तो टॉप की स्पीड। तो हीरो होंडा दो गाड़ी ऐसी कंपनी की हैं जो कि एवरेज और स्पीड दोनों देते हैं। तो भाई होंडा की एक्टिवा है, एवरेज तो है ही ओके की रिपोर्ट में, स्पीड भी ओके की रिपोर्ट में, हर चीज़ ओके भाई। एक एक चीज़ जो गाड़ी कंपनी बेचती है गाड़ी में, हर आइटम ओके। सो गाइस, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला दूसरी गाड़ी के साथ नई अपडेट।